नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। वीडियो की शुरुआत बस यहीं से करेंगे कि PCB का बड़ा बयान आया और वहां पर बाबर, शाहिन और रिजवान, इन तीनों को बैन कराया। जी हाँ, PCB में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चाहे फिर वो हम देखें साफ तौर पर मेंस टीम की हार हो, वर्ल्ड कप में सुपर 8 में ना पहुंच पाना हो, इंडिया से लगातार हार हो, और कल उनकी वुमेन्स टीम का इंडिया से हार जाना हो, सारी चीजें लगातार साफ तौर पर वहां चलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच अब PCB ने खुद इन तीन खिलाड़ियों को बैन कर दिया है। तीन नहीं, यहाँ पर चार खिलाड़ियों को, नसीम शाह भी उसमें आप जोड़ दीजिए, ये चार खिलाड़ी साफ तौर पर PCB ने बैन कर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान फैंस के लिए ये थोड़ी सी शायद अच्छी खबर हो, क्योंकि शायद ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए, बिकॉज यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट ने उनको पाकिस्तान से बैन नहीं किया है। आप सभी को पता होगा 25 तारीख से स्टार्ट होने वाली ग्लोबल कैनेडा T20 लीग के बारे में, वहां पर इन खिलाड़ियों को, जहां पर नसीम शाह, शाहिन शाफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, इन चारों खिलाड़ियों को खेलने जाना था। और सिर्फ इन चार को ही नहीं, पाकिस्तान के और भी कई खिलाड़ियों को खेलने जाना था। लेकिन हम सभी को पता है कि ये चारों जो प्लेयर है ना, वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। तो इन्होंने NOC के लिए PCB के पास प्रस्ताव भेजा था, जिसको PCB ने नकार दिया है। उन्होंने नेशनल सिलेक्शन कमेटी से बात की और उसके बाद ये कहा कि जो हमारे ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, हम नहीं चाहते कि वो आगे के शेड्यूल को देखते हुए किसी भी तरीके से किसी भी लीग में जाएं और वहां पर खेले जाके। उन्होंने कहा कि बहुत हैक्टिक शेड्यूल होने वाला है आगे का, जहां पर जिसकी शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से होगी और इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जैसा मतलब बड़ा इवेंट है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे प्लेयर्स कोई इंजरी हो, थकान वगैरह महसूस हो, तो हम चाहते हैं कि प्लेयर रेस्ट करें जब तक और उस लीग में ना खेलें। ये साफ तौर पर PCB का मानना है। बाकी के खिलाड़ी जो हैं, आसिफ अली, इफ्तिकार अहमद, इन सभी खिलाड़ियों को जाने की इजाजत है, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मेट या दो फॉर्मेट खेलते हैं, तो इसीलिए इन खिलाड़ियों पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर साफ तौर पर उस लीग से बैन करते हुए दिख रहे हैं, यहां पर साफ तौर पर बाबर आजम, शाहिन शाफरीदी, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह, बिकॉज दे आर दी ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स, दैट्स वाई इन्हें वीज़ा नहीं मिला है, या फिर कहें कि NOC नहीं मिली है, वीज़ा नहीं कहेंगे, NOC नहीं मिली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यानी PCB से, और अब ये आपको ग्लोबल कैनेडा T20 लीग में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो अगर आप पाकिस्तानी फैंस हैं तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है, ये आपके लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर? आप अपने स्टार्स को देख पाते कैनेडा लीग में, ये वो अच्छी खबर होती? या आप अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं, फ्यूचर के लिहाज से देख रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से देख रहे हैं, तो वो चीज़ बेहतर है? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, ये क्या है आपकी राय।